Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सबका एनडीटू डिफेंस पे। और हाजिर हूँ लेके आज का डिफेंस 101 एपिसोड 7। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं टू ऑफ द वेल नोन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड मार्केट। उनमें से पहला है आपका चाइना पाकिस्तान निर्मित JF17 थंडर और दूसरा है आपका इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट HAL Tejas Mach 1। तो जिन लोगों ने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें। मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ कि ये एक डिटेल्ड कंपेरिजन होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस कंपेरिजन की तरफ। JF17 जिसे डिजाइन किया है रशिया ने, डेवलप किया है चाइना ने और असेंबल किया गया है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान एयरफोर्स का प्राइड माना जाता है। और JF17 तेजस से ऊंचा उड़ सकता है और काफ़ी लंबे समय काल के लिए ऊंचा उड़ सकता है। और JF17 तेजस से चीपर भी है। तो क्या ये सारी खूबियाँ JF17 को तेजस से बेटर बनाती हैं? और आंसर है नहीं। तो चलिए हम इसी चीज़ को देखते हैं आगे। वैसे भी किसी भी वॉर लाइक सिनेरियो में इंडिया पाकिस्तान के बीच अगर कोई वॉर होता है इन फ्यूचर, तो JF17 का सामना इंडिया के Sukhoi-30 MKI और राफेल से होने वाला है, क्योंकि JF17 पाकिस्तान का फ्रंट लाइन फाइटर है और दूसरी तरफ तेजस Mach 1 है इंडिया का फ्रंट लाइन फाइटर नहीं है। इंडिया के फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं Sukhoi-30 MKI और आने वाले टाइम में राफेल। तो चलिए एक बार के लिए कंसिडर कर भी लेते हैं कि JF17 का सामना इंडिया के तेजस Mach 1 से हो जाता है। तो दोनों के बीच में युद्ध के दौरान किसके पास सुपीरियर एज होगा उसको हम देखने वाले हैं। वैसे कुछ पाकिस्तानी फूल्स की माने तो उनका JF17 F-22 से भी बेटर है, लेकिन इस वाक्य में कितनी सच्चाई है वो तो हम आगे देखने वाले हैं कंपेयर के बाद। JF17 और तेजस Mach 1 दोनों ईसर रडार का यूज़ करने वाले हैं, जिसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे रडार के नाम से भी जाना जाता है। JF17 में लगने वाला है KJL-7 है, जो कि चाइना निर्मित एक रडार है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के तेजस Mach 1 में लगने वाला है एल्टा का ELM-2052, जो कि इसराइल द्वारा बनाया गया रडार है। तो इन दोनों रडार का डिटेल में कंपेयर करते हैं। तो KJL-7 है इतना प्रूवन रडार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ ELM-2052 बहुत ही प्रूवन और टेस्टेड रडार है जो कि तेजस पे डिप्लॉय होने जा रहा है। और चाइना द्वारा क्लेम किए गए रेंज की माने KJL-7A के लिए, तो वो कहते हैं कि हमारा रडार एक ऑब्जेक्ट जिसकी RCS वैल्यू 5 m² है उसको तकरीबन 100 से 105 km के अंदर स्कैन करके ट्रैक कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ELM-2052 की रेंज को देखते हो तो ये ELM में 1500 TR मॉड्यूल है, जो कि ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल है और सभी गैलियम नाइट्राइड बेस्ड TR मॉड्यूल है। और जिसका डायरेक्ट मतलब ये है कि इसकी रेंज तकरीबन 180 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर के बीच में होगी, वो भी एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जिसकी RCS वैल्यू 1 m² है। फिर भी एक केस में हम मान लेते हैं कि दोनों का रडार इक्विवेलेंट है, वैसे है नहीं, चलो एक केस में मान लेते हैं। तो उस सिनेरियो में तेजस की जो RCS वैल्यू है JF17 के ऊपर इसे एक अपर एज देती है, क्योंकि तेजस की RCS वैल्यू रिड्यूस की गई है, इसके ऊपर कंपोजिट मटेरियल की कोटिंग करके इसकी RCS वैल्यू रिड्यूस की गई है। वहीं दूसरी तरफ JF17 थंडर के ऊपर ऐसी कोई बात नहीं है और तेजस की RCS वैल्यू रिड्यूस हो जाने से तेजस बियॉन्ड विजुअल रेंज में जाके अटैक कर सकता है। बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। इंडिया का अपना ही कस्टमाइज प्रोग्रामिंग तेजस में यूज किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ JF17 थंडर में C++ प्रोग्रामिंग यूज की जाती है, जो कि हैकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वल्नरेबल प्रोग्रामिंग है। तेजस यूज करता है IRST सिस्टम, जो कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है, और ये तेजस को एडवांटेज देता है जहाँ पे ईसर रडार काम नहीं कर रहा हो, जैसे कि बैड वेदर हो या फिर किसी भी थर्मोग्राफिकल ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना हो, तो वहाँ पे IRST काफ़ी हैंडी होते हैं। JF17 में IRST नहीं लगाया गया है, तो ये एक बड़ा एडवांटेज है तेजस के पास JF17 के कंपेयर में। तेजस के ऊपर लगाए गए IRST के कुछ फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। अगर तेजस की तरफ कोई मिसाइल बढ़ रही होगी और जो तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर दूर होगी और किसी भी बैड वेदर की वजह से ईसर रडार उसको अगर सही से ट्रैक नहीं कर पा रहा होगा, तो वहाँ पे IRST काफ़ी हैंडी होता है। IRST क्या करता है? IRST बिना किसी सेल्फ रेडिएशन इंड्यूस किए उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर लेता है और उस आ रहे ऑब्जेक्ट के अराउंड क्या टेम्परेचर है, कैसा वेदर है, कितना क्लाउड है वहाँ पे, क्या थर्मोग्राफिकल स्टेटस है, तो वो सारी चीज़ें पायलट को बता देता है और उस हिसाब से पायलट वैसा मिसाइल लॉन्च कर देता है उस आ रहे ऑब्जेक्ट को गिराने के लिए। तो ये कुछ खूबियाँ हैं IRST के होने से तेजस के पास, जो कि JF17 के पास नहीं होगा। तेजस Mach 1 यूज़ करने वाला है फ्लाई बाय वायर सिस्टम, जो तेजस Mach 1 के सभी पार्ट्स के लिए
दिया गया है। वहीं पर दूसरी तरफ JF17 में फ्लाई बाय वायर सिस्टम पार्शियल पार्ट्स के लिए है। तो फ्लाई बाय वायर की मैं आपको कुछ बता देता हूँ खासियत। तेजस मार्क 1A में फ्लाई बाय वायर सिस्टम होने से पायलट के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। मान लो आप किसी डिफिकल्ट ट्रेन में कॉम्बैट कर रहे हो, अब अगर आपके पास फ्लाई बाय वायर सिस्टम नहीं है तो वहाँ पे पायलट को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या एल्टीट्यूड रखें, क्या स्पीड रखें और कितना मनूवर करें तो हम कॉम्बैट में एक अपर एज ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैनुअल हो जाती हैं अगर फ्लाई बाय वायर सिस्टम नहीं होता है। ये सारी चीज़ें पायलट को ही डिसाइड करनी पड़ती है, जो कि JF17 के साथ ऐसा होगा। अब जब तेजस मार्क 1A में फ्लाई बाय वायर सिस्टम है तो किसी भी इनकमिंग मिसाइल या फिर फाइटर के अटैक से बचने के लिए कितना मनूवर करना है, कितनी स्पीड पर करना है, तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर से जनरेट की जाएंगी और सेल्फ कंट्रोल हो जाएंगे, जिसमें पायलट को सहूलियत हो जाती है कि और चीज़ों पे भी ध्यान दे सके। बात करते हैं सबसे मेन कंपोनेंट की। सबसे मेन कंपोनेंट है दोनों फाइटर्स में इनके पावर प्लांट। तो तेजस मार्क 1A में अमेरिकन G404 इंजन लगने वाला है। वहीं दूसरी तरफ JF17 में RD-93 इंजन लगा हुआ है, जो कि एक रशियन मेड इंजन है। अगर आप इन दोनों इंजन को कंपेयर करोगे तो जी का 404 इंजन RD-93 के कंपेरिजन में काफ़ी लाइटर इंजन है और काफ़ी सुपीरियर है, जो कि एक सुपीरियर थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। और रशियन मेड RD-93 इंजन में काफ़ी मेंटेनेंस चाहिए होती है, वो इंजन काफ़ी मेंटेनेंस मांगता है। और RD-93 इंजन के कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि काफ़ी नॉइजी इंजन है, काफ़ी स्मोकी इंजन है और इसके जो टर्बोफैन ब्लेड्स हैं काफ़ी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करते हैं एनमी के रडार पे। तो इन सब लिहाज से RD-93 काफ़ी इन्फीरियर है तेजस मार्क 1A के 404 के कंपेरिजन में। तो अब बात करते हैं तेजस और JF17 के बीच में इंगेजमेंट्स की। तो पहले बात करेंगे बियॉन्ड विजुअल रेंज इंगेजमेंट की। तो JF17 यूज करता है PL-12 BVR, जिसकी रेंज 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर के बीच में है। वहीं दूसरी तरफ तेजस MK-1, जिसकी RCS वैल्यू तकरीबन 4 मीटर स्क्वायर के अराउंड है। और इस चीज़ को देखते हुए आप ये क्लियरली बता सकते हो कि JF17 का रडार तेजस मार्क 1A को पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो RCS वैल्यू है वो थंडर की कैपेबिलिटी से काफ़ी नीचे है। जिसका मतलब ये है कि तेजस दुश्मन की टेरिटरी में तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर अंदर तक घुस जाएगा और तब जाके दुश्मन को पता चलेगा कि हाँ, ये फाइटर अंदर आ चुका है। और उस टाइम अगर कोई BVR लॉन्च करता है तो उससे पहले ही तेजस अपना बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम होगा। और तेजस 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल यूज कर रहा है, पहला है IDRB और दूसरा है अस्त्रा मार्क 1। और दोनों की एक्यूरेसी अचूक बताई जाती है और इन दोनों की रेंज तकरीबन 100 किलोमीटर से ऊपर है। तो इस लिहाज से JF17 काफ़ी पीछे रह जाता है किसी भी बियॉन्ड विजुअल रेंज इंगेजमेंट में। तो चलिए दोनों को कंपेयर करते हैं, अगर ये दोनों किसी भी सिनेरियो में विजुअल रेंज में लड़ाई कर रहे हो तो। तो विजुअल रेंज के लिए तेजस मार्क 1A यूज करने वाला है पाइथन 5, जो कि तेजस को फ्लेक्सिबिलिटी देती है 260 डिग्री बोर ऑफ साइट की। वहीं भी दूसरी तरफ JF थंडर यूज करता है PL-5 मिसाइल, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी तकरीबन 40 डिग्री के अराउंड है। तो इस लिहाज से भी तेजस JF थंडर से काफ़ी सुपीरियर है। लेकिन फिर भी कुछ पाकिस्तानियों की माने तो वो JF17 को तेजस मार्क 1A से सुपीरियर मानते हैं और यहाँ तक कि वो JF17 को F-22 से भी सुपीरियर मानते हैं। तो इस बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है गिव अस अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।